आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए को देश के लिए बहुत खराब बताया है। केजरीवाल ने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं और अगर इनमें से 1.5 करोड़ भी भारत आ गए तो फिर रोजगार कहां से मिलेगा। केजरीवाल ने सीएए को बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति करार दिया, लेकिन बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि केजरीवाल राजनीति को दूषित कर रहे हैं। सीएए का विरोध करने को लेकर साधु संतों ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे, उनको कहाँ रहने की जगह देंगे, वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे, नौकरियाँ कहाँ से देंगे, घर कहाँ से आएंगे। तो जाहिर तौर पे जो नौकरियाँ और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। आसपास के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, सारे गरीबों को पकड़ पकड़ के, हमारे देश में कम गरीबी है क्या? पहले हमारे देश की गरीबी तो दूर कर लो। देश के युवाओं को नौकरी के लाले पड़ जाएंगे, बेरोजगारी की समस्या और विकराल हो जाएगी। सीए को देश के लिए बेहद खराब बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, 1.5 करोड़ लोगों को लाके और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहाँ पे, सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा। कांग्रेस और टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी के स्तेवर ने बीजेपी को भड़का दिया। पार्टी के आलाकमान नेताओं ने केजरीवाल पर हमला बोला तो साधु संतों ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और देश की राजधानी से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि क्यों उनको लाया जा रहा है। अरे जब विभाजन हुआ था तब ये तय हुआ था कि धर्म के आधार पर विभाजन है, लेकिन जो कुछ लोग वहां रह गए तो नेहरू जी ने कहा था कि उनको वहां संरक्षण मिलेगा। कांग्रेस ने 70 साल में कोई संरक्षण वही नहीं दिलाया। वो वहां पे मरते रहे, सिख परिवार की बच्चियों को बीच में से उठा के लेके और निकाह करने पे मजबूर कर दिया। क्या क्या नहीं घटा उनके ऊपर। और ये कहते हैं कि सीए के कानून को लागू ना करो। वो दिन दूर नहीं, इस साल के अंत में जब दिल्ली के चुनाव आएंगे, ऐसी सफाई करेंगे कि झाड़ू वाला केजरीवाल भी वापस कभी नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति और दिल्ली का मुख्यमंत्री इस प्रकार का बोले कि नहीं, आबादी बढ़ जाएगी, भाषा बिगड़ जाएगी और क्या बोलते हैं कि सभ्यता चेंज हो जाएगी, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, ये बोलना कितनी गलत बात है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूं और हमारी जैन समाज, संत समाज सभी विरोध करते हैं। आज हमें जो मान सम्मान और गर्दन उठा के जीने की कला सिखाई है हमारे प्रधानमंत्री ने, हम उसका सम्मान करते हैं, सारा समाज सम्मान करते हैं और ये बिल आना चाहिए था और आ गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। सोमवार को जैसे ही मोदी सरकार ने सीएए लागू किया, विपक्षी दलों ने इसे मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का हथकंडा बता दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चंदे के धंधे का हिसाब छिपाने की कोशिश कर रही है, लोगों को इस घोटाले से भटकाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।